प्राइम मिनिस्टर का विजिट लॉन्ग ओवरड्यू है. इरशाद विमान चाहिए, वो आ रहे हैं तो इसलिए कुछ न कुछ कहना होगा, कुछ न कुछ करना होगा. राइट, लोगों को एक्सपेक्टेशन है. प्राइम मिनिस्टर विजिट से प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज फोकस्ड ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट. उनका नारा ही है विकास का नारा, तो इसलिए ही मैं ऑलरेडी सेड जहां तक जम्मू कश्मीर के हालात का ताल्लुक है, इज हिमसेल्फ फोकस ऑन, खासकर जो नेशनल हाईवे है उसके जो फास्ट ट्रैक पर काम शुरू हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ. जो पहला कॉन्ट्रैक्टर था इसमें से गया, तो देखिए फास्ट ट्रैक पर अच्छा काम चल रहा है. आप भी देखेंगे सड़क का काम अच्छा चल रहा है, नेशनल हाईवे का काम अच्छा चल रहा है. और इसी तरह से रेलवे मिनिस्टर को उन्होंने भेजा, मेरे ख्याल में 30 के करीब एडिशनल बोगीज उन्हें भेजी है. मुझे मालूम नहीं, मतलब लोगों का आना कितने आएंगे क्या आएंगे वो लोगों के नजर है. तो मैं यही कह रहा हूँ कि ही इज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल, तो इसलिए आएंगे बातें करेंगे लोग. सर पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्लड पैकेज. मुझे पैकेज का उनका मुझे तो नहीं है ना, जब आ जाएंगे तो बता देंगे क्या करना है, वही है. एंड डू थिंक देयर विल बी अ पॉलिटिकल मैसेज आल्सो, यू नो लास्ट टाइम व्हेन वाजपेयी जी के, मतलब है मेरा ओपन एंड साथ सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए और मुझे कहता हूँ कंट्री के लिए, पूरी हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है. क्योंकि हम 47 से आज तक देखे हुए हैं कन्फ्रंटेशन से कोई मकसद नहीं. जो ब्रेक थ्रू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, जो उन्होंने यहीं से एक बड़ा सिलसिला उनका शुरू किया, मुझे लगता है कि इफ इंडिया हैज टू ग्रो, बड़ा पावर बनना है, ताकत बनना है, तो जरूरी अपने हमसायों से दोस्ती रखनी. आई विश दैट, मेरी उम्मीद है कि वो उनका ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में अवसर लॉन्ग रन लाइक टू हैव गुड रिलेशन. दैट्स माय फीलिंग. सर यू हैव सेड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डिवाइसिव एंड ही इज नॉट इंटॉलरेंट ऑल्सो. इट इज नॉट, ही इज नॉट एट ऑल इंटॉलरेंट. मुफ्ती सईद के साथ जो हाथ जोड़ा है, मेरे 3 सीटें हैं यहाँ, तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड लीडर ऑफ द पीपल, 1,020,000,000. तो मेरे साथ जुड़ा होगा तो कुछ ना कुछ विजन होगा, आगे की भी देखा होगा. मेरा भी उनको मालूम है मेरा मौकिफ क्या, व्हाट फॉर आई स्टैंड, व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री. आई मीन देयर आर इंसिडेंसेस लाइक देयर आर सम अप्स एंड डाउन्स, बट द लॉन्ग वे में मुझे लगता है ही इज ऑल इंक्लूसिव एज फॉर एज आई हैव, ही इज वेरी इंक्लूसिव.